अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज इस्लामाबाद में बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और मैं इस मौके पे आपके लिए एक बहुत अच्छा सैंडविच केक बनाने वाली हूँ, आपने ज़रूर देखना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ किरण आसिम आपके साथ, आपकी शेफ। आपने ये केक ज़रूर घर पे ट्राई करना है, ये सैंडविच केक है और ये कैसे बनेगा चलें आए इस वीडियो में देखते हैं। अच्छा जी, जो सैंडविच केक हम बना रहे हैं उसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं उसे प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले तो हमें एक ब्रेड चाहिए जिसके किनारे कटे हुए हों। उसके बाद आप क्रीम ले लीजिए, कोई सी भी क्रीम। उसके बाद एक कैप्सिकम, एक कैबेज और एक कैरेट को आपने बारीक बारीक काट लेना है, ग्रेट भी कर सकते हैं। उसके बाद गार्निशिंग के लिए मेरे पास है एक क्यूकम्बर और सैलड लीव्स। उसके बाद आपके पास उबले हुए अंडे, कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, मायोनी और क्रश्ड चिकन। मैंने इसको बहुत ही बारीक बारीक सा इसको मैंने काट लिया है। और इसके अलावा मेरे पास है क्रीम चीज़, चिली सॉस, नमक और काली मिर्च। और इसके ऊपर मैं केक बनाऊंगी। चिकन में शामिल करनी है मायोनी और काली मिर्च और नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने चिकन में मायोनी, नमक और ब्लैक पेपर को शामिल करके मिक्स किया है। इसी तरह से मैंने तीनों वेजिटेबल्स जो मैंने काटी हुई थी उनको मैंने एक प्लेट में डालकर, और अब मैंने मायोनी, नमक और काली मिर्च के साथ देखें व्यूअर्स, मैंने चिकन में मायोनी, नमक और ब्लैक पेपर इसी तरह मैंने तीनों वेजिटेबल्स को मिक्स करके उसमें भी मायोनी, ब्लैक पेपर, नमक को डाला, अच्छी तरह मिक्स किया। अब हम इनकी लेयर्स बनाएंगे ब्रेड के ऊपर। पहली लेयर मैं बनाती हूँ एंड आई विल शो यू। व्यूअर्स, ये देखें कि मैंने पहली लेयर बनानी शुरू की थी और ऑलमोस्ट आई हैव डन, इट्स कम्प्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे में भी हम इसी तरह करेंगे। हम 4 ब्रेड के पीसीज लेंगे और इसी तरीके से हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। और अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर जो वेजिटेबल वाली है उसे देखें कि हमने अपना जो स्प्रेड किया है वेजिटेबल वाला, जिसमें मायोनी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट मैंने डाला हुआ था, अब हम इसको अच्छे तरीके से ब्रेड के ऊपर जो हमने 4 स्लाइसेस रखे थे स्प्रेड कर देंगे। जी, अब ये लास्ट लेयर थी जो एग्स, बॉयल्ड एग्स और ग्रीन चिली के साथ मैंने मेयोनी में इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया था और वो आपने स्प्रेड कर दिया है। अब फाइनल इस पे जाएंगे 4 और पीसेस। और इसके बाद मेरे पास ये देखें, ये क्रीम पड़ी हुई है और ये हमारे पास है जी क्रीम चीज़, इसको मैं मिक्स करूंगी इसमें और मैं इसके ऊपर अब इसको फैलाऊंगी और बिल्कुल इसको मैं केक की तरह सेट करूँ। इस तरीके से आप इसको शीट में रैप करके फ्रिज में रख दें 4 से 5 घंटे। व्यूअर्स, हमारा ज़बरदस्त मज़े का सैंडविच केक बिल्कुल रेडी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसको मैंने गार्निश किया है क्यूकम्बर, कैरेट, सैलड लीव्स और चेरी के साथ। आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको निकाल के सर्व कीजिए, खुद खाइए और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।